मेरे को तो पता नहीं ना, इनके बोल दो जी। मैं बगले से हूँ, बजरंग की बहन हूँ, बजरंग कुमार की। और बोलो, मैं बगले की हूँ। आपका वोट क्या है? बगले में वोट आपका? बगले में, बगले में इंटरव्यू दिया। सीधे में क्यों? आदमपुर हल्के में आता होगा बगला। काले कपड़े, काली शक्ल देख के मत मत बोल देना अनपढ़ है। मैं मेरी बीए करी सर निकासी में। नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। इस वक्त गांव सीसवाल के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ लोग भी देख सकते हैं, सीसवाल और ढाणे सीसवाल से दोनों से ही मौजूद हैं। तो चलिए इन लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई अब की बार आजमपुर में कौन सीट निकालता हुआ इन्हें नजर आ रहा है, किसकी जीत होते हुए नजर आ रही है। जी आपसे पहले पूछना चाहूंगी, किसके सपोर्टर हो? कौन बीजेपी के सपोर्टर हो? कुलदीप जी के। अच्छा ये बताओ, ये अभी हुआ है मतलब बीजेपी के अभी सपोर्टर हुए या कुलदीप बिश्नोई से पहले ही बीजेपी? पहले सूर्य के कुलदीप से। हाँ शुरू से ही हो? हाँ जी। तो पिछली बार वोट किसके लिए डाला था, कुलदीप बिश्नोई के लिए या बीजेपी के लिए? कुलदीप के लिए। पिछली बार वोट कुलदीप का डाला था? हाँ जी। अच्छा जी, क्या लग रहा था अब की बार कौन ये जो है यहाँ से जो है सीट निकालने वाला है? कांग्रेस में। ठीक, कांग्रेस में। तो आपने लागे क्या है की सीट कौन निकालेगा? कांग्रेस में कोशिश कांग्रेस की है। वैसे ओवरऑल पूरे गांव राम का अगर देखा तो पूरे गांव का क्या लग रहा है कि पूरे गांव में कौन सबसे आगे चल रहा है? माहौल बराबर से दिखा रहा है। माहौल बराबर से है। वैसे बता दूं कि सीसवाड़ गांव सबसे बड़े गांव में से दर्ज होता है ना। हाँ। जी हाँ ताऊ जी, क्या लग रहा है कौन आपकी बार जीतने वाला है? बहन जी मैं हूँ एनएलओ पार्टी का। अच्छा, हमेशा ही। अच्छा, बाकी अब की बार जेपी को वोट दूंगा। जेपी को वोट दोगे? इनेलो के हो, फिर इनेलो के कैंडिडेट को वोट क्यों नहीं दे रहे? इनेलो को नहीं। क्यों? वो नहीं आ गई। इसको कुलदीप को रहेगा उसको दूंगा। अच्छा कुलदीप को रहोगे उसको दोगे? लगता है जेपी हरा देंगे कुलदीप बिश्नोई को? हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है जेपी की हवा और ये जेपी की। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है? मैं तो कांग्रेस में, आप खुद जेपी ने वोट दूंगा। जेपी को वोट दोगे? वैसे ये सिसवाड़ के लिए तो बोलते हैं कि भाई कुलदीप बिश्नोई के गढ़ों में से एक आता है, तो मतलब उनके वोट बराबर की टक्कर है जी। अच्छा मतलब ये कब से ये टक्कर वाला माहौल कब से बना है? क्योंकि पहले तो इनकी बारी बने है जी। इससे पहले किसका गांव था? इससे पहले तो कुलदीप का था जी। कुलदीप का समर्थक गांव था। हाँ। और अभी हाल फिलहाल क्या लग रहा है, कंपटीशन कितना रहने वाला है, कौन आगे निकल? बराबर का है जी। कंपटीशन बराबर का है, मतलब बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों के टक्कर के हैं? टक्कर है जी। अच्छा जी, हाँ जी, आप किसको आपकी बात सपोर्ट कर रहे हो? कुलदीप को जी। कुलदीप को? हाँ जी। क्या कह रहे हैं कुलदीप जी को सपोर्ट करने का? ये यहीं आए जी, और तो कहीं आएगा वो चले जाएगा। हाँ। ये यहीं रहेगा, इसीलिए वोट इसी को देंगे। तो पहले कुलदीप जी आपके गांव में बिना चुनाव के कितनी बार आपके गांव में आते ही रहते हैं? आते ही रहते। हाँ। कितनी बार मिल के गए आपसे? मैं चार बार मिले हूँ जी, पूरे पाँच साल में। हाँ। पाँच साल में चार बार मिले। ठीक है, काम हो तो कभी मिल लो। काम हो तो कभी मिल लो। वैसे गांव का काम क्या क्या करवाया कुलदीप जी ने आपका? जैसे अभी तो कोई सरकार में थे नहीं, अगर छोटा मोटा काम अगर क्या तो होया है जी। हाँ जी, कुछ काम करवाए हैं बोल रहे हैं कि भाई छोटा मोटा काम करते हैं तो होता है। काम पहले तो काम करवाए हैं जी, अभी बाकी आधा साल हम कोई काम कौन जी। हाँ जी, ग्रांट आती है वापस भेज देता है ये गांव के अंदर। वो वादे से कहते आंग ले रखकर कहते मैंने ये काम कराया गांव का। वो कहते हैं 300 करोड़ का मैंने गाँव में काम करा दिया। वो ऐसे के मैं ये काम कराया है, कोई काम नहीं हो रहा है, जो कुछ हुआ है इसने कुछ नहीं करा। ये आपके साइड में ही खड़े हैं ये बोल रहे भाई कहने पर करवाए, इसके पास खड़ा हूँ। हाँ। ये कहते उसने क्या काम कराया ये बता दे अभी जी। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या काम करवाए भाई है। रियल ब्रदर आप दोनों? हाँ ना, वैसे भाई है ये बोल रहे हैं कुछ काम नहीं करवाया, ग्रांट वापस चल जाते। आप कहते काम करवाए? देखो जी छोटा मोटा का काम तो करवाए हैं। वैसे आंगली रखकर कह दो मैंने ये इस गांव में ये काम करवाया। काम करवाए चौधरी भजन लाल ने, काम कराए चौधरी भजन लाल ने। ये खड्डे के अंदर सड़क है, सड़क के अंदर खड़े हैं। यहाँ 10-15 साल से कोई आदमपुर में काम नहीं हो रहा। आपकी बार फिर आप किसको सपोर्ट कर? हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस को? हाँ। कुलदीप बिश्नोई जी से क्या नाराजगी आपको? कोई नाराजगी नहीं, कुलदीप बिश्नोई रोज पार्टी बदलता है, इसलिए हम उस कुलदीप बिश्नोई को वोट नहीं दे रहे। 3 महीने पहले कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में था, ठीक है ना? उसको क्या, कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को इतना सम्मान दिया था, 5-5 सीट दी है जो के 5। हाँ हम यहीं से आ भैया। हाँ कौन से गांव से होता है जी? को एक बार कोई ना गांव बता दो कौन से गांव से। हम यहीं से। हाँ यहीं से नहीं, एक मिनट रुको ना भाई, कोई बात नहीं, गांव का नाम बता दो। हम हिसार से, आजाद नगर से, हिसार से। ठीक है ना,
हाँ जी हाँ जी बोल। अच्छा मेरे को ये बताओ इतने गुस्से में क्यों हो रहे हो? मेरे को तो नहीं पता, मेरे को तो पता नहीं ना। इनके बोलो जी, मैं बगला से हूँ, बजरंग की बहन हूँ, बजरंग कुमार की। और बोलो मैं बगला की हूँ। आपका वोट क्या है? बगला में, बगला में, बगले में वोट आपका? बगले में, बगले में इंटरव्यू दिया। सीधे में क्यों? आदमपुर हल्के में आता होगा बगला। चलो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। वर्कर आप वोट तो मांगने पड़ेंगे सबने। अच्छा आप कांग्रेस के वर्कर हो गए? फिर आपका सर्वे माना नहीं बन सकती। हाँ जी हाँ जी, चलो आपका बाद में इंटरव्यू करेंगे जी। तो इतना गर्म होने की क्या जरूरत है भाई? इतने गर्म होने की जरूरत नहीं है। चलिए हाँ जी सर, आप बताइए क्या लग रहा है आप सिसवाड़ से? हाँ जी बिल्कुल, डाणी सिसवाड़ से जी, बाग 119। एक सेकंड मेरी बात सुनो, मैं पीछे से नहीं लेके आई इनको, यहाँ पे आए, मेरे को लगा यहीं के। जी मैं डाणी सिसवाड़ से हूँ जी। हाँ हाँ। बाग मेरा 119, वोट नंबर 258। हाँ। नरेश कुमार नाम है मेरा। अच्छा। वोट दिया जी कुलदीप ने, विकास की बात हो रही है। चारों मेड देख लेगा मैं रजवा चाले। हाँ। अच्छा पानी लागे निरी पैदा हुआ है, 25 मिनट किला को नर्म होने लाग रही है अभी। अच्छा। और विकास बताओ क्या हो जी? 5 मिनट अभी हम तो सरकार में पाछी बन जी सड़क तो। अच्छा हाँ। तो अब तक क्यों नहीं बनी? अभी बनने लग रही है जी, अभी रोड़ा गिरने लग रहा है, बारिश को टाइम है, बारिश में चारों मेर फूटी पड़ी है जी। जी तो कुलदीप जी तो आए नहीं, जद को काम हो जी, बाकी थी कोई किंको। अच्छा हाँ। आपको कुलदीप जी पे पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है जी, वो छोरे बांग नाम आगे लिखड़ी। चलो भाई अपना अपना मत है। हाँ जी आपको क्या लगता है कौन जो है आपकी बार जीतने वाले? जयप्रकाश जी विजय होने की संभावना है जी, अच्छी दिन भर दिन उनकी लीड बढ़ती जा रही है। जयप्रकाश की जो है दिनों भर वोट लीड तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आपकी बात करूँ आप जो है जेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? जो वो आज आधी रात में गरीब का हत्यासी है, ये सरकार कांग्रेस की हत्यासी है। खट्टर सरकार ने तो इस देश का भट्ठा बिठा दिया, गरीब मजदूर सब आज इससे दुखी है। हाँ। आज तक इसने मुआवजा नहीं दिया, आज भी धरने पर बैठे हैं, 5 स्कूल बंद है, सीसवाल के स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में कोई तीन टीचर नहीं है। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके टीचर लगवाए है। इस बीजेपी सरकार को शर्मनाक कहता हूँ मैं। चलिए और भी गांव वाले लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी किसको सपोर्ट कर रहे थे? कुलदीप को जी। कुलदीप बिश्नोई को, कारण क्या उनको सपोर्ट? कारण क्या सदा ही मेरे कुलदीप का ही है, हमेशा से उनको सपोर्ट करता। हाँ जी आप किसको सपोर्ट? हम कुलदीप को जी, कुलदीप बिश्नोई को। कारण क्या उनको? हमारी फैमिली में बहुत सर्विस लगा रखी उन्होंने। अच्छा ऐसे क्या लगता है आपको, अब की बार जो है क्या सिर्फ पार्टी देख करके लोग वोट दे रहे हैं या चेहरा देख के वोट? हम सदा से देते आ रहे हैं कुलदीप को। आप तो हमेशा से दे रहे हैं, मैं आपके गाँव का हाल पूछ रही हूँ कि अब की बार पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है आपके गांव में या सिर्फ चेहरों के ऊपर? नहीं पार्टी को नाम है, चेहरे को नाम है, हमें सिर्फ जलाल जी के नाम पर वोट देते हैं। अच्छा। उनके नाम जी, उनके तो नाम आप भजन लाल जी के नाम पर जो है वोट डालते हैं। चलिए ठीक है कि आदमपुर हल्के के लिए भजन लाल जी ने बहुत कुछ किया है, सारा कुछ किया है। कुलदीप बिश्नोई जी ने क्या उतना किया है? कुलदीप बिश्नोई जी सरकार में थे तब किया था, बाद में सरकार नहीं है काम किसका करे जी। ठीक है हाँ जी आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? कुलदीप बिश्नोई। कारण क्या? कारण क्या है जी, अच्छा विकास हुआ है, बिजली है, पानी है। अब तक जितना जोर लगा रखा था आप लगाओ। नहीं नहीं देखो जी, ये पीछे पीछे सोशल मीडिया पर हवा बनाने के लिए गाड़ी में सवार रहते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। ये काले काले कपड़े काली शक्ल देख के मत मत बोल देना ये अनपढ़ है। मैं मेरी बी ए करी सर 81 में। अच्छा। पहले मेरे बाप जुड़े थे 68 से बजनाल के साथ, और अब कुलदीप के साथ है तनमन से। ठीक है तो अब की बार आपके गांव की ओवरऑल बात कर रही है, आपका अपना मत क्या, आप कुलदीप बिश्नोई को समर्थन दे रहे हैं, पूरे गांव की बात करें तो क्या लग रहा है, हाल क्या है, कंपटीशन किसके बीच में है और गांव की हवा क्या है? दूसरे नंबर पर जेपी रेणु है। हाँ। और पहला भी हो रहा है वो। वोटों का मार्जिन कितना रहने वाला अंदाजा? मार्जिन में कुछ ही कौन कह सका भाई, किसी लेकिन पहले पर दूसरे पर और बाकी फेल है। ओके हाँ जी आपको क्या लगता है आपकी बार आपके गांव में से कौन जो है जीत करके निकल? कुलदीप लिखे जी, हमेशा से कुलदीप निकल करके आते हैं। ठीक है कारण क्या है उनके जीत का? कारण जी चारों मेर तो नाला काट रखे है, जमींदार ने पानी चाहिए नेरगो, मेरे सारों लास्ट में खेत पटेल पड़े। हाँ। और खेत में मेरा पानी लगा रहा है, घंटा में किलो पिए। अच्छा तो बत्ती और दही के खाना दाना ओण ला रहे सर जी, और थोड़ा और आ गया तो पानी डोर बंद कर ला रहे करवा सरकार पलटी, और भाई मिल गया मोल डी और बंद कर दी मारी दो। अच्छा तो मतलब और सरकारों से फायदा नहीं हुआ, कुलदीप बिश्नोई की वजह से आपको फायदा हुआ? पानी अच्छा पानी आवे, आज सड़क है, आज ही गांव में नौकरी लगा रखी है जी। चलिए अच्छी बात है। हाँ जी सर किसको वोट दे रहे हैं? कुलदीप बिश्नोई को। कुलदीप बिश्नोई जी। हाँ जी तो मतलब ये सारे ऑलमोस्ट कुलदीप बिश्नोई जी के समर्थक है। हाँ जी कोई एक दो चार होता है भाई, है एक दो
हमारे मतलब पहली बात तो है 50 साल की राजनीति की, मैं इनके पीछे चौधरी बदन लाल। अच्छा, ये सीट गुमाना कौन सा, हमारे रिकॉर्ड कायम रखना था वहाँ। अच्छा, हाँ, बस। तो ये रिकॉर्ड कब तक कायम रहेगा भजनला? जब तक ये हम जब तानी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद है जब तानी। अच्छा, एक सवाल और, भजनलाल जी के परिवार के साथ आप बोलोगे? हम तो जी भजनलाल परिवार के साथ ही हैं, उनके बड़े बेटे हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, वो तो खुद कांग्रेस में है, क्या उनके बड़े बेटे के साथ नहीं है क्या? यही थे कांग्रेस में, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि चंद्रमोहन बिश्नोई जो है जेपी के लिए वोट मांगेंगे और कुलदीप बिश्नोई भवे के लिए मांगेंगे, बेटे दोनों भजनलाल परिवार के हैं, भजनलाल परिवार है, तो आप भजनलाल परिवार के कौन से हिस्सों को सपोर्ट कर रहे हो? कुलदीप खड़ा नहीं हुआ वहाँ, कालका का है, कालका से खड़ा होता है, उधर से कालका से खड़ा होता है, लेकिन है तो बेटे भजनलाल जी के, वो वहाँ सा है, ये अंग्रेज एरिया ये संभालता है। मैडम जी कालका है नहीं, बहुत गाड़िया से सपोर्ट करने चंद्रमोहन, मतलब यहाँ से चंद्रमोहन जी को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं? कालका जाते हैं, कालका में चंद्रमोहन जी खड़े हो जब लाखों की तादाद में अटक आदमी पहुँचा जी, बढ़िया बोटा हूँ जी तुम वहाँ जी। वैसे चंद्रमोहन बिश्नोई कभी आते हैं क्या गांव में पूछने के लिए हालचाल जी? बड़े बैठे पूछ ले बे सारे काम को हालचाल, आप लोगों से पूछने कभी आते हैं हालचाल क्या? इधर सारे आवे चल जाए, आगे कोई दिक्कत नहीं, मांजरो तो है जाइए हमारे सारा कान कर रहे हैं, लेकिन नहीं पकड़ लो कान है हा? कान वो चंद्रमोहन और कुलदीप को नहीं पकड़ लो, घर भर गए दोनों। हाँ जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, पापा किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके पास नोट मेरे वोट नहीं है यहाँ पे। आप कहाँ से हैं? आशीष से। चलिए हाँ जी, आप कहाँ से हैं? किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है? लाल जी को कर दिए जी, 60 साल हो गए हमारे पिताजी तो गुजर गए हैं जी, हम 36 साल के हो गए हैं जी, तो आप 36 साल से उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बात, पैदा होते ही बन गया था क्या वोट? चलो हाँ जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आजमपुर रहूं जी, उनसे मिल गए हैं अभी, कुलदीप जी से मिल गए हो, क्या बात, क्या कुछ बातचीत कर गए हो? बातचीत तो कुछ नहीं, उन्होंने प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया, राम रूमी थी। चलिए भाई, तो ये था गांव शीशवाड़ का सर्वे, शीशवाड़ और ढाणी शीशवाड़ से जो है मिले जुले लोग यहां पर खड़े हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं, अलग अलग मत के साथ खड़े हुए हैं। खैर, अब देखते हैं कि इस गांव से जीत किसकी दर्ज होती है, कौन जो इस बार यहां से जीत करके निकलने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है कि कॉम्पिटिशन अब की बार बड़ा टाइट है, उपचुनाव जो है एकदम टक्कर का होने वाला है, और इस टक्कर में जीत किसकी होती है वो अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़, नमस्कार।